हाँ जी, अगर आपके पास ये वाला क्वेश्चन आ जाए कि द लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 15 एंड 35 इज, तो उसके पास आपका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, और मतलब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आते होते हैं, आपको इनका टिप्स एंड ट्रिक्स पता होना चाहिए कि इन क्वेश्चन को किस तरीके से करते होते हैं। मतलब वो कह रहा है कि ऐसा लार्जेस्ट, सबसे पहले अपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि वो क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर। अब आप ये देखेंगे लार्जेस्ट फोर नंबर डिजिट है कौन सा, क्या ये नहीं, लार्जेस्ट फोर नंबर जो डिजिट होता है वो ये है 9999, 9999 ये डिजिट्स में है। उसने डिजिट की बात की, उसने डेसिमल की बात नहीं की, ठीक है। तो जो लार्जेस्ट फोर डिजिट है, अगर इसके बाद हम इसको 10,000 करते हैं तो वो उसमें पांच हो जाएंगे, पांच डिजिट हो जाएंगे। उसने तो लार्जेस्ट फोर की बात की है, तो लार्जेस्ट फोर हमारे पास एक ही है नंबर, ये बच जाता है हमारे पास 9999। अच्छा, विच इज डिविजिबल बाय बोथ, वो ये जो ये भी चार चार नंबर हैं, चार नंबर चार डिजिट ही हैं, और ये भी ऑलमोस्ट लार्जेस्ट ही हैं। वो कह रहा है कि ये इनमें से कौन सा नंबर है जो 15 पे भी डिवाइड है और डिवाइड हो सकता है, और 35 पे भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अब इसका सिंपल वे क्या होता है, सबसे पहले आप इसको 15 और 35 का एच सी एफ ले लेते हैं, बल्कि एल सी एम ले लें, 5 पे करें 35 द 15 और 73 द 75 द 35, ठीक है जी। आपके पास ये नंबर आ गए हैं 5, 3 और 7, ठीक है जी। यानी कि अगर आपके पास ये चीज़ आ गई है 5 × 3 × 7 इज इक्वल टू 5, 3 द 15, 15, 7 द 105, मतलब कि वो नंबर जो है वो आपके पास 105 आ गया हुआ है। अब हम इसको करेंगे क्या, 105 तक, यहाँ तक तो हमारा आंसर आ गया कि जी दोनों का हमने एलसीएम ले लिया और वो हमारा कॉमन आ गया जी 105 नंबर। 105 पे 15 भी डिवाइड हो सकता है और 35 भी डिवाइड हो सकता है, यानी कि ये ऐसा नंबर है जिसपे 15 और 35 दोनों डिवाइड हो सकता है। लेकिन अभी तक हमारे क्वेश्चन का सवाल अभी बाकी है, इसका आंसर भी बाकी है, तो हम करेंगे क्या, करेंगे ये कि इसी नंबर को 105 जो है इस पर डिवाइड कर देंगे। ये जो हमारा उसने कहा है कि जी जो लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर है वो ये, इस पे इसको 105 को कर देंगे आप डिवाइड, ठीक है जी। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, इसको डिवाइड करके बताएं जरा आंसर। जल्दी बताएं, 95.22, इसका आंसर आता है 95.22, ये इसका जो ये यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है 95.22, ठीक है जी। यानी कि अगर हमने हाईएस्ट फोर डिजिट नंबर है उसको डिवाइड कर दिया, ये जो हमारे पास आंसर है 105 से। अब हमने क्या करना, क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये जो 95 है ये डिजिट है हमारा, ठीक है, इस डेसिमल को छोड़ देना, ये जो पॉइंट में होता है इसको हम डेसिमल कहते हैं, 95.22 है ना, तो ये पॉइंट को आप छोड़ दें। यहाँ पे आपका 95 डिजिट है, उस डिजिट को नीचे ले आएँ, ये आपका 95 है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें वो जो आपके पास आंसर आया था 105 उसके साथ, तो ये अब आपके पास क्या बचा, ये आंसर आता है 95 को 105 के साथ मल्टीप्लाई करते हो 9975। ऊपर बताएं 9975 कौन से ऑप्शन में है, एलसीएम लेना, एलसीएम लेना, एलसीएम सी, ये अब हमारे पास ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ठीक है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो आप इसको इस तरीके से आराम से कर सकते हैं परफॉर्म। हमने कोई इन दो नंबर्स को आपने एलसीएम ले लेना है, ये आपके पास एलसीएम आ गया 105, जनाब आपने वो फोर डिजिट हाईएस्ट, तो फोर डिजिट हाईएस्ट ले लेना है, उसी पे उसको नंबर को डिवाइड कर दें, ये जवाब आ गया आपके पास। इस जवाब में सिर्फ डेसिमल आपने उठाना है, सॉरी इस जवाब में सिर्फ आपने डिजिट उठाना है, डेसिमल को इग्नोर कर देना है। ये डेसिमल आपके पास पॉइंट रुकी हो, सलाम वालेकुम चीमा साहब, खोखर साहब तुम दसी कोई नहीं रहती, चलो मैं भी थोड़ी देर तक आता हूँ, मैं बस निकल रहा था लाहौर के लिए थोड़ी देर में।
चेंज चेंज करके, तो मैं भी आता हूँ, फिर मिलते हैं, उसके बाद फिर मैं निकल जाऊंगा। अच्छा जी, तो हम आगे की तरफ जाएंगे, और इसी तरह के क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं आराम से, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ डेज पे। ये जो है आपको ये तो पता है ना आपको कि 3 रेस्ट पावर 0 कितना होता है, 1 रेस्ट पावर 0 कितना होता है, 1000 रेस्ट पावर 0 कितना होता है, 1 1 1, शाबाश, गुड, 1 1 1, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपके पास 1 लाख की पावर 0 हो जाए तो इसका मतलब ये है कि उसका आंसर 0 है, ये अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे की तरफ हम आते हैं, और 0 रेस्ट 0.1 ये किसके बराबर होता है, और 1 इक्वल टू 0 ये किसके बराबर होता है, 1 ओवर 0 1 के बराबर होता है, 0.1 इन्फिनिटी के बराबर होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जहाँ पे भी 0.1 आ जाए इसका मतलब इन्फिनिटी है, जहाँ पे 1/0 आ जाए इसका मतलब 1 है। लेट्स सपोज ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस्ट पावर 2। लेट्स सपोज ये अब आपके पास क्वेश्चन आ गया, ओ सॉरी, 0 रेस्ट पावर 1 इज इक्वल टू 0 होता है, और 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, यस, ठीक है जी, इसको करेक्ट कर लें प्लीज। ये इसको 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड 0.1 इज इक्वल टू 0, सॉरी, 0 जब ऊपर होता है तो इधर भी 0 ही आता है, ठीक है। तो अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कैसे करेंगे, इसको करेक्ट कर लें प्लीज, ठीक है। अच्छा, इसको जा रहे हैं, बस दूध पत्ती होनी चाहिए, गुड़ वाली चाहिए, ठीक है। अच्छा, आगे की तरफ जाएंगे, 3 रेस्ट पावर 0 आपको पता है 1 के बराबर होता है, +4 रेस्ट पावर -1 हम यू लिख सकते हैं, 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस्ट पावर 4 के बराबर होता है, यहाँ तक तो आपको पता है ना। अब यहाँ पे कैल्सियम लेंगे, 4 आ जाएगा, 4 × 1 4 + 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 से गया, 4 + 1 = 5, ये आपका आंसर। जी, मैंने करेक्ट कर दी है, 1/0 इन्फिनिटी के बराबर होता है, और 0.10 के बराबर होता है। लेट सपोज ये 0.10 आ जाए तो आप भी 0 ही है, ठीक है, वो मैंने करेक्ट कर दिया जी। आगे की तरफ चलते हैं, आपको थोड़ा सा डेज प्रॉब्लम की तरफ लेके जाता हूँ। कैलेंडर प्रॉब्लम्स, कैलेंडर प्रॉब्लम्स, इफ टुडे इज ट्यूजडे देन व्हिच डे विल बी देयर आफ्टर 15 डेज। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि उसने आफ्टर पूछा है या बिफोर पूछा है, उसने यहाँ पे आफ्टर की बात की है, मतलब कि इफ टुडे इज ट्यूजडे, अगर आज ट्यूजडे है तो कौन सा दिन जो है, विच डे विल बी देयर आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के बाद कौन सा डे आएगा, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डेज इन अ वीक कितने दिन होते हैं हफ्ते में, कितने दिन होते हैं, 7। नहीं तो कहने लगाए इसको सिंपल यूं कर लें, कितने दिन होते हैं वीक में, 7 डेज होते हैं, 15 को डिवाइड कर दें 17, 7 के ऊपर, हाँ जी, 7 टू द 14,
लेफ्ट ओवर बचा वन, ये जो आपके पास लेफ्ट ओवर बचा हुआ ना, रिमाइंडर जो है वन बचा है आपके पास, इसको आपने जो ट्यूसडे है ये वाला, टुडे इज ट्यूसडे है ना, तो उस ट्यूसडे में ऐड कर दें, टी यू एस ट्यूसडे प्लस वन, ये जो आपका रिमाइंडर बचा है, तो क्या बन जाएगा आपके पास, ट्यूसडे प्लस वन वेडनेसडे, सिंपल। तो मतलब ये है, चल कोई नहीं जानी, मैं बस आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ ठीक है जी, समझ आ गई है कि नहीं लगी यार, बताओ। बिफोर वाले भी करते हैं ना, बिफोर वाले भी करते हैं, बिफोर होगा सिंपल, ये जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको यहाँ पे माइनस कर देंगे, आपके पास जवाब हो जाएगा। ठीक है, वो भी मैं आपको करके देता हूँ। वो कह रहा है एक्स टुडे इज सैटरडे, देन विच डे विल बी देयर आफ्टर 60 डेज। लो जी, आफ्टर 60 डेज। अब आपको ये पता है कि उसने आफ्टर की बात की है और आज सैटरडे की बात की है उसने, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, 60 की बात की है, 60 डेज, और वीक में दिन होते हैं हमारे पास सात, सात को 60 को 7 पे डिवाइड करो कितना आएगा, 7 8 10 56 होता है। सेवन एट का 56 होता है, तो यहाँ पे 4 बचा आपके पास लेफ्ट ओवर रिमेनिंग में, 4 रिमाइंडर। तो आज क्या है जी, टुडे सैटरडे, आज सैटरडे है, प्लस 4 करें इसमें, क्या बनेगा आपके पास। अगला चौथा दिन कौन सा आएगा, आज सैटरडे संडे एक दिन, दूसरा मंडे, तीसरा ट्यूसडे, देन उसके बाद चौथा है वेडनेसडे। तो 4 दिन, चौथा दिन कौन सा होगा, वेडनेसडे। ठीक है जी, इस तरीके से आपने करना है जी। लेकिन लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई बिफोर का हो जाए, इफ टुडे इज ट्यूसडे, इफ टुडे इज ट्यूसडे Which day will be there after before 37 days? There before 37 days। हाँ जी, अगर आज ट्यूसडे है, कौन सा डे जो है वो फोर्थ डे के दिन के बाद, क्यों बताना आपने, फोर्थ डे वाला बताएंगे ना कि उसके नेक्स्ट डे कौन सा दिन होगा, जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था ट्यूसडे प्लस वन किया था ना, ट्यूसडे प्लस वन वेंसडे होता है, ये थोड़ी कि वेंसडे के बाद वाला दिन थोड़ी उसने पूछा है। ठीक है, ये अपने ख्याल करना था। इफ टुडे इज ट्यूसडे देन व्हिच डे विल बी देयर बिफोर 37 डेज, 37 है, रख के करो उसको साथ पे, 7 5 35, रिमाइंडर 2 आया। हाँ जी, आज क्या है, ट्यूसडे, माइनस 2 करो जरा, ट्यूसडे, ट्यूसडे से पहले कौन सा दिन आता है, ये इधर लिखें, ट्यूसडे इससे पहले कौन सा दिन आता है, माइनस 2 करो, मंडे, मंडे से पिछला दिन कौन सा होता है, संडे, तो दिन कौन सा बचा आपके पास, संडे, संडे इज द आंसर, राइट। समझ लग गई है,
हाँ जी आगे चले। अब मैं आपको थोड़े मजीद फार्मूलाज लिखवा के फिर आगे की तरफ चलता हूँ। आयशा बच्चे सैटरडे 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 क्यों होगा मुझे बताएं ना आप। ट्यूसडे में से 2 दिन करेंगे ना, जो ट्यूसडे से दो दूसरा पिछला दिन होगा उसी को काउंट करेंगे आप। वाह कौन सी लाइब्रेरी में बैठे हो ना। पंजाब लाइब्रेरी ये कहाँ पे है। अच्छा जी बेसिक मैथ है आपके पास और इंटीजर्स। और इंटीजर्स कौन से होते हैं। 1, 3, 5, 7 जो जो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते उसको हम और इंटीजर्स कहते हैं। इवन इंटीजर्स में 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन जो 2 पे डिविजिबल होते हैं। प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जो खुद इटसेल्फ 1 पे डिवाइड होते हैं और अपने आप पे डिवाइड होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद 17, 19 एंड ऑनवर्ड्स। यानी कि एक तो अपने आप पे डिवाइड होते हैं। अच्छा लॉग तो एक अपने आप पे डिवाइड होते हैं और एक 1 पे डिवाइड होते हैं। ठीक है तो ये प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। उसके बाद है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हम किसको बोलते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है 1/2। डेसिमल का मतलब क्या होता है। डेसिमल का मतलब लेट्स सपोज 0.5 है इसको हम डेसिमल बोलते हैं। 0.02 पॉइंट जो बात पॉइंट में आ जाए उसको हम डेसिमल बोलते हैं। इसी तरह इंटीजर। इंटीजर आपका कुछ भी हो सकता है। उसने खाली सिंपल इंटीजर की बात की है वो प्लस में भी हो सकते हैं। 0, -1 ठीक है, +1, -2, +2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है ये +-2 कर दें इसी को कर दें। प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। 3, 4, 5 ऑनवर्ड्स ऑनवर्ड्स ठीक है ये सारे के सारे हम इनको इंटीजर्स बोलते होते हैं। उसके बाद अगर आपके पास ये a/b हो इक्वल टू 5/6 तो इसका मतलब ये होता है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये वाली इधर के साथ मल्टीप्लाई होती है ये वाली इधर के साथ मल्टीप्लाई होगी। यानी कि 6a इज इक्वल टू 5b। 6a इज इक्वल टू 5b। अच्छा जी उसके बाद है जी लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन लेट्स सपोज आपके पास x+1 इज इक्वल टू 0 है। इसमें कोई पावर शावर नहीं कोई कुछ नहीं है बिल्कुल लीनियर इक्वेशन है। x+1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है आपने मैथ्स में पढ़ी होगी FSC में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो का मतलब ये होता है कि आपके पास ये रेशो का जो साइन होता है वो ये होता है। इसका मतलब होता है डिवाइड। रेशो का मतलब डिवाइड यानी कि अगर आपके पास 5:6 आ जाए तो आप इसको यूं लिख सकते हैं 5/6। ठीक है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा उसके बाद प्रोपोर्शन की बात। प्रोपोर्शन क्या होती है। प्रोपोर्शन में इक्वल का साइन आ जाता है। प्रोपोर्शन होती कैसे है। a/b या आप प्रोपोर्शन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 1:2 प्रोपोर्शन 3:5। ठीक है ये वाला जो 4 डॉट वाला साइन है इसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। ये यहाँ पे 1:2 प्रोपोर्शन 3:5
इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये बीच में प्रोपोर्शन वाला साइन है, ये वाला जो है इक्वल वाला जो साइन है, ठीक है, इसका इसका मतलब ये होता है कि प्रोपोर्शन है। अब इसका मतलब है 1/2 = 3/5, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, ये नोट कर लिया आप सबने। चलो गुड हो गए। A/B = C/D, अब ये इक्वेशन अगर आपके पास है इसको हम रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं, रेसिप्रोकल भी इसको कर सकते हैं, B/A = D/C, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अगर आप यूं लिखना चाहें तो ये बिल्कुल ठीक बात है, आप लिख सकते हैं। एलसीएम मैंने आपको बता दिया है, एचसीएफ आपको बता दिया है, ठीक है, और एलसीएम दोबारा भी मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ आपको, बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको मसला होता है। एलसीएम अगर आप लेना हो 1/2 का, 1/3 का और 1/4 का, ये कैसे आप देख सकते हैं, 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने इसको 2 × 3 × 4 कर लेना है, ठीक है, नीचे वाले सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास कितना आया, 2, 3, 6, 6 = 24, 24, ऊपर आप इनको प्लस कर दें, ये प्लस में सारे हैं, इनको आपने एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे आप, 2 को ये आपके पास 24 आ गया, ठीक है, यहाँ पे आप 1, यहाँ पे आप सबको 24 करके, और क्या कहते हैं, = 24 आ गया। अब ये 24 है, इसी 2 को आप 24 पे डिवाइड करें तो कितना आता है आपके पास, 2 को 24 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 12 आया, प्लस अब ये 3 है, 3 को 24 पे डिवाइड करना है, 3 को 24 पे डिवाइड किया तो कितना आता है, 8, 8 × 3 = 24, प्लस 4 को 24 पे डिवाइड किया तो आपके पास कितना आया, 6 आया, तो 6 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ, 6 × 1 = 6 होता है, तो 12, 8 और 6 कितने होते हैं, 26, 26 over 24, ठीक है, इसको काटें आप, ये 13 पे कटेगा और ये 12 पे 2 पे कट जाएगा, 13/12 आपके पास जवाब है, ठीक है। इसको आप यूं कर सकते हैं एलसीएम वगैरह को, उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। ये आपके पास अगर वो कहे कि इसको आप डिवाइड करके इसका जवाब बताएं, आप इसका जवाब पॉइंट्स में पूछे आपसे क्या बताएंगे आप, आपने इसको डिवाइड कर लेना 5 को 4 पे, 4 × 1 = 4, नीचे आपके पास 1 आया, ठीक है, 1 के साथ आपने क्या लगाना है, इधर आप गौर से समझें, जब आपके पास 1 आया अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 के साथ लगाएंगे 0 और इधर लगाएंगे पॉइंट, ऊपर आपके पास पॉइंट लगेगा, नीचे आपके पास 0 लगेगा, अगेन यहाँ पे 1 और पॉइंट लग गया, यहाँ पे 0 आ गया, अगेन 4 को 10 पे करें जरा, 4 × 8 तो यहाँ पे 8 आ गया, अगेन 2 बच गया, अगेन 2 के बाद आपने सिफर नहीं लगाना बल्कि यहाँ पे नीचे आपने लगा देना है, तो पॉइंट 2 0 लगा दिया, और क्या कहते हैं ऊपर सिफर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ना इशारे लगाने की जरूरत है, आप 4 को डायरेक्ट 20 पे करेंगे तो 5 × 4 = 20, ये आपके पास यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, इसका जवाब इस तरीके से निकाल सकते हैं आप, ठीक है।
ये इसी तरीके से अब मैं डायरेक्शन के क्वेश्चन आपको करवाने लगा हूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए डायरेक्शन के क्वेश्चन का। डायरेक्शन में ऊपर वाली लोकेशन नॉर्थ होती है, नीचे वाली होती है साउथ। ये आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं, ये आप लोकेशन आपके माइंड में होनी चाहिए। नॉर्थ साउथ, इधर वाली ईस्ट होती है, उधर वाली वेस्ट होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने ये वाली देखनी है, ये वाली लोकेशन कौन सी है, ये वाली नॉर्थ और ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट। ये वाली लोकेशन साउथ ईस्ट है, ठीक है, साउथ और ईस्ट के दरमियान वाली है साउथ ईस्ट। ये वाली नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, और ये वाली साउथ वेस्ट। सिंपल, ठीक है। अब आपको मैं डायरेक्शन की तरफ लेके जाता हूँ, बल्कि उससे पहले भी थोड़ा सा मजीद भी आपको फार्मूलाज भी करवाता हूँ आपको। यहाँ तक ये बात समझ लग गई है आपको डायरेक्शंस की? चलो, गुड हो गया। अच्छा जी, पैथागोरस थ्योरम क्या होता है? पैथा गोरियन थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम क्या होता है जी? पैथागोरस थ्योरम, लेट्स सपोज आपके पास ये ट्रायंगल है, ये आपके पास ट्राइंगल है, दिस इज योर बेस, दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अभी आपके पास बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये 90, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 का एंगल है, एक 90 का है, दूसरा ये 45 45 क्या, तो टोटल 180 की है। यहाँ पे परपेंडिकुलर इसका जो फार्मूला होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये पैथागोरस थ्योरम होता है आपका, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर फार्मूला ऑफ पैथागोरियन थ्योरम। ये हमने अप्लाई करना है डायरेक्शन के क्वेश्चन में, इसलिए आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे की तरफ आ जाए, मजीद फार्मूलाज हम लिखते हैं अभी। अब तक मैथ्स आपको समझ लग रही है? मैथ्स आपको, ये मॉड के क्वेश्चन भी आपको करवाता हूँ अभी। मॉड इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। ये मॉड होता क्या है वैसे? मॉड ये होता है, लेट्स सपोज आपके पास 1 2 5 50 3 1 5 6 8 90 2 80, ये आपके पास हो, इसमें मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी होगी? ठीक है जी, सबसे ज्यादा जो वैल्यू रिपीट हो रही है, इसमें 2 को मजीद भी कर लें आप, 1 2 5 53, 1 5 6 8 92 82, 2, एक दफा ये आई है, एक दफा ये आई है, और एक दफा ये आई है। इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, तो 2 जो है इसका मॉड बनता है। सिंपल सी बात, 2 इज द मॉड, 2 3 दफा रिपीट हो गई है मुझे, ठीक है। अगर अगर इसमें दो दो दफा हो, और 5 5 दफा हो, 5 भी 2 दफा हो, 2 और 5 होगी फिर वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से आपने करना है मॉड को। मॉड इज बेसिकली द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। ऑर्गेनाइज करने की जरा भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा जी, अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट का फॉर्मूला, हाँ जी, पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। व्हाट इज पी? प्रिंसिपल अमाउंट, या इनिशियल अमाउंट,
जिसपे ये आपका इंटरेस्ट लगना है। ये आर आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 40 टाइम टाइम पीरियड, ठीक है जी। ये है पी आर टी, ठीक है जी, PRT। अच्छा, उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। डिस्काउंट की क्या होती है फार्मूला, क्योंकि ये भी हमने करना है डिस्काउंट वाले। कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिस्काउंट। किसी शॉप पे आप जाते हैं, वहां पे डिस्काउंट लगा होता है आप कि जी हमारा 30% ऑफ है, 20% ऑफ है, तो आपने पहले कास्ट करनी है। कास्ट के जितनी की भी अलर्ट्स को, एक चीज 20,000 की, उस पर 30% ऑफ है, 20 × 30% रेट ऑफ डिस्काउंट से है। 30% परसेंट का मतलब ये होता है कि 1/100 × ये इसको हम परसेंट बोलते होते हैं, ठीक है। परसेंट 50%, 50% का मतलब ये होता है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपके पास 50 दिया हुआ होगा, यानी कि 50/100, ठीक है ना, इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। अगेन हम आगे की तरफ जाएंगे और डिस्काउंट हमारा हो गया, पाइथागोरस थ्योरम हो गया, डायर के ऊपर आ जाएंगे। डायमीटर किसके बराबर होता है? दो रेडियस के बराबर होता है, 2R। लेट्स सपोज ये आपका सर्कल है और सर्कल का ये होता है डाया हाफ, ठीक है। ये रेडियस होता है पूरे का पूरा, अगर हम इसको करें तो ये बनता है आपका रेडियस, ठीक है जी। इसी रेडियस को अगर आप कर लें तो 2R बनता है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली आपका डाया है। ये वाली जो है ये आपकी बेसिकली सर्कमफेरेंस बनती है जहाँ के पूरे सर्कल की आर्च लेंथ जो है, ठीक है। हम उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। रेडियस का फार्मूला, अगेन रेडियस जो है वो आपका, अगर वो आपसे रेडियस की बात करें, खाली खाली रेडियस की, रेडियस कितना है, तो रेडियस आपका होता है ये यहाँ तक आधा, डाया का आधा, इसको हम रेडियस बोलते हैं, यानी कि d/2, ठीक है, d/2 डाया का आधा जो है ये आपका रेडियस होता है। ये अब आपको पता है, डाया पूरा d होता है, ये वाला पूरा डाया, और जो रेडियस है वो हाफ होता है डाया का। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr², एरिया ऑफ सर्कल πr², ये फार्मूला है, लिख लें आप, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, ये जो भी मैं पूरी आपको बता रहा था, आर की लेंथ 2πr, इसका फार्मूला है 2πr, ठीक है, 2πr। अच्छा, एक और है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन, ये कितना बनेगा आपके पास, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, ठीक है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। हाँ जी, मेरे भाई को मैसेज है, किधर गुम हो, कोई स्टेटस नहीं, कोई कहाँ चाल,
एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, और ये आपके पास आ गया जी सम ऑफ इंटीरियर एंगल द फैनिंग पॉलीगॉन, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल द फैनिंग पॉलीगॉन। एक्सटीरियर एंगल्स कितने होते हैं? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 डिग्री होते हैं जी आपके पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल। एक सर्कल में कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्री। और सर्कल हैज 360 डिग्रीज, ओके। ये जो सर्कल है इसमें अगर हम डिग्रीज की बात करते हैं तो ये जितनी भी डिग्रीज होती हैं ये सारी की सारी 90 ए 90 ए 90 ए 90 ए, ये तरह की डिग्रीज होती हैं, 360 डिग्री इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेन्यूस, ये ट्राइंगल का एरिया अगर आपने निकालना हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, उसके बाद है आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होती है, ये पेपर में पूछता होता है। आइसोसेल्स ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स और दो एंगल इक्वल होते हैं। और ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स एंड टू एंगल्स सेम, ठीक है जी। ऐसी है ऐसी ट्राइंगल जिसमें बेस और हाइट ओके हाइपोटेनियस, अच्छा ऐसी ऐसी ट्राइंगल जिसके दो साइड्स और दो ट्राइंगल दो एंगल्स और दो साइड सेम हो उसको हम आइसोसेल्स ट्राइंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसकी वन साइड 90 की होती है बाकी उसकी 45-45 की होती है, इसको हम बोलते हैं राइट साइड ट्राइंगल। राइट साइड ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल भी एक होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी करके कुछ होती है, ठीक ठीक है। इक्वल जिसकी ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स इक्वल, ऑल साइड्स ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं उसके, ठीक है जी, ये इक्वल होते हैं उसके। एरिया ऑफ स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एस के ऊपर स्क्वायर डाल दें तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये फॉर्मूले जो है ना आपको ये याद करने पड़ते हैं क्योंकि पेपर में ये पूछते होते हैं और सवाल भी इस तरह कर जाते हैं जो आपको बाजू पास नहीं आ रहे होते तो फॉर्मूला की अच्छे ऊपर आंस कर सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ एनी पॉलीगॉन, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर ऑफ एनी पॉलीगॉन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स। शाबाश। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4s। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर ये कितना होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ,
टू इंटू लेंथ प्लस विड्थ, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ई क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRh, ठीक है। एरिया ऑफ क्यूब 6e2, ठीक है जी, 6e2, ये आपका एरिया हो गया एरिया ऑफ क्यूब का। अब एरिया ऑफ बॉक्स कैसे ढूंढते हैं, एरिया ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ विड्थ प्लस लेंथ हाइट प्लस विड्थ हाइट, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है जी, अच्छा आगे चलते हैं, और थ्री साइडेड डायग्राम ट्रायंगल कहलाती है, फोर साइडेड को क्वाड्रिलेटर कहते हैं, फाइव साइडेड पेंटागॉन, सिक्स साइड हेक्सागॉन, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दिया आपको, और ये वाले फार्मूलाज तो बेसिक ये पावर्स का मैं आपको पहले बता चुका हूं, a रेज पावर m डॉट a रेज पावर n इज इक्वल टू, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है m प्लस n, ये आपको बता चुका हूं, डिवाइड का बता चुका हूं, ये सारा कुछ बता चुका हूं, और a रेज पावर माइनस n हो तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 1 अपॉन a रेज पावर n, ये आके प्लस में हो जाएगी, इसको आप यूं लिख सकते हैं, और अगर आपके पास ये दी हुई हो ये ऊपर जाके तो इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी, पावर माइनस हो जाएगी, माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हैं, ये आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। ठीक है जी, और क्या कहते हैं, रेंज का मैंने करवाया हुआ है आपको, रेंज के क्वेश्चन नहीं करवाए, रेंज के क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। यह लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेक्चर रिकॉर्ड हो तो रहा है मैंने, हाँ हो तो रहा है लेक्चर रिकॉर्ड, ठीक है। रेंज क्वेश्चन ओके है, अभी कर लेते हैं रेंज के क्वेश्चन। असल में मेरे कुछ बैचमेट्स हैं मैं इधर भागलपुर में, एक तो आई हैव टू गो उस टाइम, दूसरा ये कि मैंने लाहौर के लिए निकलना, और वो भी 4 से 5 घंटे लगेंगे, लंबी ड्राइव है, तो भी मैंने चेंज भी करना है, ठीक है, बड़ा सारा कुछ हो जाता है यार। अब कल वापस आके कल फिर आप लोगों को लेक्चर भी देना है ना, लाहौर में कोई नहीं मुलाकात के चांसेस, क्योंकि यार वहाँ पे बड़ा बड़ा मुश्किल है, काफ़ी सारे काम है जो पेंडिंग है, शाम में पहुँचूँगा, सुबह सुबह वापस वापसी होगी, रात को एक दोस्त मेरे ने जाना है अमेरिका, तो उनको एयरपोर्ट पे वहाँ पे वो करना है, सी ऑफ करना है, ये काफ़ी सारे काम हैं जो कि करने वाले हैं, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आऊँगा तो फिर मुलाकातें करते रहेंगे। द डिफरेंस ऑफ रेंज बेसिकली क्या होती है आपकी, the difference of maximum value and minimum value in a given set of data points, उसके दरमियान आपकी वो, उसको हम range कहते हैं, range ये होती है कि let's suppose आपके पास maximum value minus minimum value,
मिनिमम एरिया, इसको हम रेंज बोलते होते हैं, ठीक है। तो सर इसमें ना मुझे पहले हंडी डाल के दें इसमें पानी के अंदर, फिर मैं चाहती हूँ, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। हाँ इंशाल्लाह जरूर है, जरूर है, मेरे पास के लिए आ जाओ, कोई मसला नहीं। वो अदर माई ब्रदर सिबलिंग्स, तो रेंज फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये आपके पास डेटा दिया हुआ है, इसकी आपने रेंज मालूम करनी है। 13, 9, 2, 4, 1, 8, 7, 3, 11, ये आपके पास रेंज है। अब ये देखेंगे रेंज क्या, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है जी, वो 200 भी। 13, शाबाश, गुड, शाबाश, शाबाश। फरजान, शाफे, सहर, सीमा, आजकल तो छाई पड़ी है, मतलब है 13 माइनस 1, ये मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू 13 है, तो 12 बचेगा आपका। दिस इज योर रेंज, ठीक है जी। तो ये आपकी रेंज है, सिंपल, ठीक है। तो यार आज मैं इधर ही एंड करता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे आज काम है और टाइम भी करने हैं सारे काम। तो इंशाल्लाह कल की जो क्लास होगी वो मैं डिटेल में लूँगा, आज के लिए यहाँ यहाँ तक काफ़ी है मेरे ख्याल से। इन फार्मूलाज को आप रोटेशन लगाएं और ठीक है, बस काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, हाँ कल मुलाकात होती है फिर।